आज हम प्रयोग करेंगे वाष्पोत्सर्जन को सिद्ध करने के लिए कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन अर्थात ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के लिए हमको एक पॉलीथीन की आवश्यकता पड़ेगी, पॉलीथीन के साथ एक धागे की आवश्यकता है। और आपके घर में यदि गमले में पौधा है तो गमले के का पौधा ले लीजिए, या फिर इस तरीके से कोई भी पौधा लगा हुआ हो तो वो ले लीजिए। चलिए देखते हैं कैसे करना है हमको। ये एक पॉलीथीन लिया हमने, पॉलीथीन लेने के बाद इसमें ये कोई भी पत्ती जो बड़ी पत्ती हो उसको ले लेंगे, और उसमें लेने के बाद ये पॉलीथीन को इस तरीके से पूरी तरीके से कवर कर देंगे इससे, जिससे इससे हमको पता है कि जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है वो पत्तियों के माध्यम से होती है मुख्य रूप से। तो पत्तियों से ही पानी की हानि होती है, जल की हानि होती है, और वाष्प के रूप में। तो इस वाष्प को हमें रोकना है, वाष्प को रोकना है। तो वाष्प को रोकने के लिए इस तरीके से हमने इसको कवर कर दिया। कवर करने के बाद यहाँ से इसको टाइट कर देना है, जिससे कि बाहर वाष्प न जा पाए। और टाइट करने के बाद इसको हम अच्छे से टाइट करके बांध देते हैं, और उसके बाद फिर हम इसको देखेंगे, अभी धूप है, एक आध घंटे बाद, कि इसमें ये जो पॉलीथीन है इसमें कुछ मात्रा में वाष्प के रूप में जल उपस्थित होगा। इस तरीके से इसको टाइट करके बांध दीजिए आप। और बांधने के बाद अब हम इसको कुछ समय बाद देखेंगे, तो इसमें वाष्प के रूप में जो पानी निकलेगा वो आप यहाँ इस पॉलीथीन में स्टोर हो जाएगा। यहाँ छोटी छोटी बूंदों के रूप में वो पानी हमको दिखाई देगा, जिससे ये सिद्ध होता है कि इसमें पौधों में पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। धन्यवाद।